गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, आई एम योर कंप्यूटर टीचर सुनजीत सर, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द डिस्कशन ऑफ सैम्पल एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर फॉर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो डिस्कस द कंप्यूटर प्रोजेक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हियर यू कैन सी द सिलेबस ऑफ फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, फर्स्ट फोर चैप्टर्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी रीड ऑल ऑफ दिस चैप्टर्स वेरी केयरफुली। ओके, so move on to next. Here you can see the details about the first term examination. We all know that our first term examination is starting from 21st September. Okay, that means 21st September से हम लोगों का exam start हो रहा है and the date of computer exam is 5th October. Okay, 5th October को हम लोगों का computer का exam है and we all know that the first term examination is based on MCQ. So question pattern is MCQ. Okay, and द लास्ट डेट ऑफ प्रोजेक्ट सबमिशन इज 7th अक्टूबर। 7 अक्टूबर से 7 अक्टूबर को आप लोगों को प्रोजेक्ट जमा करके जाना है स्कूल में। जो भी मैंने प्रोजेक्ट दिया है उसको 7 अक्टूबर को जमा करके जाना है स्कूल में। एंड द रिटर्न डेट ऑफ प्रोजेक्ट कॉपी इज 13 अक्टूबर को आपको वापस मिल जाएगा प्रोजेक्ट कॉपी। ओके, एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। द टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन इज मॉर्निंग 11 AM। ओके, दैट मीन्स जो 11 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो फिर आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा पहले ही भौसम ऐप में लॉग इन करके रहना है क्योंकि बहुत सारा टेक्निकल इशूज़ हो सकता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा पहले ही लॉग इन करके रहना है। ओके, सो 11 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा एंड द रिज़ल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन 20th अक्टूबर। 20 अक्टूबर को आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर्ड होगा। ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स ऑफ एग्जामिनेशन, फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन। सो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर सेक्शन, सॉरी प्रोजेक्ट वर्क। ओके, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस प्रोजेक्ट इन माई प्रीवियस वीडियो। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर वंस अगेन। सो फर्स्ट प्रोजेक्ट इज, फर्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विद देयर डायग्राम। आप लोगों को कंप्यूटर का जो मेमोरी है, रैम रोम हार्ड डिस्क, उसका डायग्राम है बुक में दिया हुआ है, उसको ड्रॉ करना है और उसके बारे में लिखना है आपको। ओके, प्रैक्टिकल कॉपी तो आपको पता ही होगा कि एक साइड ब्लैंक होता है, एक साइड रूल होता है। ब्लैंक साइड पेज पर डायग्राम ड्रॉ करना है और रूल साइड पेज पर आपको डिस्क्रिप्शन देना है। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेज एंड देयर डायग्राम, एनी फोर। ओके, आप लोग कोई भी इनपुट डिवाइस के बारे में लिख सकते हैं, ओ सी एम आर, बार कोड रीडर, ओके, जॉयस्टिक्स, बट माउस एंड कीबोर्ड को छोड़ के। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ ब्रीफली डिस्कस एन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेट। ये बहुत ही ईजी है, कोई भी डायग्राम नहीं है यहाँ पे, खाली आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखना है पॉइंट वाइज। ओके, सो दीज आर द मेन 3 टॉपिक्स विच आर इंक्लूडेड इन द कंप्यूटर प्रोजेक्ट वर्क। ओके, आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस प्रोजेक्ट। सो एंड द लास्ट डेट ऑफ प्रोजेक्ट सबमिशन इज 7th अक्टूबर। 7th अक्टूबर को आप लोगों को स्कूल में प्रोजेक्ट जमा कर देना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर पार्ट। हेयर यू कैन सी द 11 इन माई प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी हैव डिस्कस 10 एमसीक्यू क्वेश्चन, सैम्पल एमसीक्यू क्वेश्चन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। ओके, दिस डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फाइल। ओके, दिस डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट बुक एंड डॉक्यूमेंट्स इन टू इलेक्ट्रॉनिक्स फाइल। फर्स्ट इज OMR, सेकेंड इज MICR, थर्ड इज OCR एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। ओके, सो OCR इज द डिवाइस दैट इज यूज टू कन्वर्ट द बुक एंड डॉक्यूमेंट इन टू इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स। ओके, एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू दैट प्लीज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली व्हेन यू सिट इन द एग्जामिनेशन। प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, अदरवाइज यू वॉन्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सो रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवाइस इज यूज टू कैप्चर द स्टील इमेजेस। ओके, द डिवाइस इज यूज टू कैप्चर द स्टील इमेजेस, वेबकैम, डिजिटल कैमरा, बोथ एंड नन ऑफ दिस। ओके, हियर यू कैन सी द ऑप्शन नंबर 3 बोल्ड इज बोल्ड। ओके, बोथ इज बोल्ड, सो द सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, डिजिटल कैमरा इज द करेक्ट आंसर। ओके, डिजिटल कैमरा इज यूज टू कैप्चर द स्टील इमेजेस। ओके, नेक्स्ट इज द पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट द माउस एंड द कीबोर्ड इन टू PC, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, PS2 पोर्ट एंड VGA पोर्ट। ओके,
So PS2 port is the correct answer. PS2 in our early days, PS2 port are used to connect the mouse and the keyboard. Nowadays all are the USB port, okay, but in the earlier days we use PS2 port to connect the mouse and the keyboard. Next question is, what is the base of hexadecimal number system? We all know that the hexadecimal number system has 16, base of 16, okay, 16. Binary is 2, decimal is 10, okay, octal is 8, and hexadecimal is 16. So question number 14, option number 3 is the correct answer. Next is, it infects both the hard disks and the program files. Okay, it infects both the hard disks and the program files. Email virus, cluster virus, hybrid virus, or polymorphic virus. So hybrid is the one. Hybrid is the correct answer. Hybrid virus infects both the hard disks and also the program files. Okay, so option number 3 is the correct answer. Next is, act of breaking into someone's computer or computer network is called phishing, snapping, hacking, or none of this. Okay, we all know that the hacking is the right answer. Hacking means the act of breaking into someone's computer or computer network. Okay, so question number 16, hacking is the correct answer. Next question is, from this following, which is not an example of storage device? Okay, which is not an example of storage device? First is compact disk, next is digital versatile disk, third is biometric disk, and last is modem. Okay, so third option is biometric disk. Biometric disk is used to devices is used to authentication. Okay, for authentication, user authentication. So this is not an example of storage device. So question number 17, option number 3 is the correct answer. Next is, which part of CPU or does all the calculation and compression? That means jo CPU ka jo kaun sa part hai jo sab calculation karta hai. Okay, first is arithmetic logical unit, next is control unit, third is memory unit, and fourth is none of this. We all know that the CPU has three parts, okay, ALU, CU, and memory MU. Okay, so all the calculation are done by arithmetical logical unit. So arithmetical logical unit is the correct answer. Okay, and control unit flows the data of instruction. Okay, and memory unit stores temporarily the result. Okay, so arithmetic logical unit is the correct answer. Next question is, this output device is used to print large size paper. Okay, this output device is used to print large size paper. Non-impact printer, impact printer, plotter, and all of this. So plotter is used to print large size paper. Okay, like banners. Okay, so option number 19, option number 3 is the correct answer. Next is, this hardware is used to provide power to all components of the computer. This hardware is used to provide all power to all computers, components of a computer. First is hub, second is modem, third is SMPS, and fourth is none of this. So option number 3 is the correct answer, SMPS. SMPS is the correct answer. So question number 20, option number 3, SMPS, is the correct answer. Okay, so I hope that all of you understand the pattern of MCQ question answer in the first term examination. And one thing I want to tell all of you, that यहाँ पे मैंने जो 20 क्वेश्चन डिस्कस किया, फर्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन और इस वीडियो में 10 क्वेश्चन, टोटल ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 20, बट ये सब क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होगा, हर एक चैप्टर से, हर एक लाइन से एक ना एक एमसीक्यू क्रिएट होता है. ओके, सो ऑल ऑफ यू शुड रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली. आई ऑलवेज टोल्ड दैट प्लीज़ रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली. अगर आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे. ओके, सो प्लीज़ रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली. And best of luck for the first term examination. And today I am ending my discussion here. So till then, take care, goodbye, and thank you.